वेलकम टू द चैनल किसे कहानियां और किताबें नाम है निशा और आज एक बार फिर लेकर आई हूँ एक नॉवल की समरी। आज की नॉवल बहुत स्पेशल है, बहुत ज्यादा स्पेशल, क्योंकि ये नॉवल जिन्होंने लिखी है वो बहुत स्पेशल है, इंडिया में बहुत फेमस है, उनकी नॉवल्स बेस्ट सेलिंग की लिस्ट में रहती है और बहुत सारी नॉवल्स पर मूवी भी बन चुकी है। बिल्कुल सही सोचा आपने, बात कर रही हूँ चेतन भगत की, उनकी लेटेस्ट नॉवल 400 डेज की जो रिलीज हुई 8 अक्टूबर 2021 को। मन में है ना बहुत सारे सवाल नॉवल को लेकर? जी हाँ, एक बार फिर चेतन भगत हमारे लिए लेकर आए हैं मिस्ट्री थ्रिलर सस्पेंस फिक्शनल नॉवल। इसमें फैमिली ड्रामा भी है, रोमांस भी है, लव स्टोरी भी है, ऑल इन ऑल कंप्लीट पैकेज है। अगर आप मिस्ट्री थ्रिलर सस्पेंस नॉवल्स पढ़ने के बहुत शौकीन हैं तो आप इस नॉवल से डिसअपॉइंट हो सकते हैं, अदरवाइज ये नॉवल आपको एंड तक बांध कर रखेगी। अगर आपने अभी अभी नॉवल्स पढ़ना शुरू किया है या फिर आप चेतन भगत के फैन हैं तो आपको ये नॉवल बहुत अच्छी लगने वाली है। कहानी आपको एंड तक बांध कर रखती है, इसलिए आप एक बार ये नॉवल पढ़ना शुरू करेंगे ना तो खत्म कर ही उठेंगे, जिसके कारण पहले की तरह ही सिंपल है। नॉवल बहुत सिंपल इंग्लिश में लिखी गई है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, काफी बांध कर रखती है। एंड इंटरेस्टिंग है या डिसअपॉइंटिंग है ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, पर ये जरूर बता सकती हूँ कि इस नॉवल में पहले की ही तरह आपको केशव राजपुरोहित और सौरभ महेश्वरी देखने को मिलेंगे, जो एक बार फिर सॉल्व कर रहे हैं एक केस। ये केस क्या मर्डर मिस्ट्री है ये भी नहीं बताऊंगी, वरना आपका मजा ही किरकिरा हो जाएगा। खैर ये जरूर बता सकती हूँ कि इस नॉवल में केशव राजपुरोहित के साथ वही कुछ हो रहा है जो पहले दोनों नॉवल्स द गर्ल इन रूम 105 और वन अरेंज्ड मर्डर में हुआ, और वो क्या कहानी के साथ साथ आप जान ही जाएंगे। चलिए फिलहाल नहीं खराब करें ना समय, बढ़े आगे नॉवल की समरी की तरफ। केशव राजपुरोहित जो अभी तक अपने पेरेंट्स के लिए डिसअपॉइंटमेंट ही बना हुआ है, आईपीएस की तैयारी कर रहा है, बहुत सारे अटेम्प्ट्स दे चुका है, सब फेलियर मिला है, दो अटेम्प्ट्स बचे हैं, अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो एज निकल जाएगी, उसके बाद ये एग्जाम नहीं दे पाएगा। उसके पापा चाहते हैं कि वो एक अच्छी सी जॉब कर ले और माँ चाहती है कि वो शादी कर ले। अब नौकरी नहीं तो छोकरी कहाँ से मिलेगी, घर पर ही बैठा है। कोरोना की वजह से उसकी जी डिटेक्टिव एजेंसी का काम भी काफी मंदा चल रहा है, पिछले 3 महीने से कोई केस नहीं मिला, छोटा सा भी नहीं। रह रहा है गुड़गांव में डीएलएफ गोल्फ कोर्स रोड पर, वहाँ आइकॉनिक नाम के अपार्टमेंट्स में उसके पापा ने रिटायरमेंट के बाद ये फ्लैट खरीदा है, जिसमें उसके साथ उसका दोस्त सौरभ भी रह रहा है। सौरभ महेश्वरी, उसे तो आप जानते ही होंगे, उसकी बेसिक प्रॉब्लम है मोटापा, उसका पहला प्यार है खाना, वो साइबर सेफ नाम की कंपनी में जॉब कर रहा है, यहाँ रहकर उसे फ्री में अच्छा घर का बना हुआ खाना मिल जाता है, दोनों की दोस्ती तो गहरी है ही और घर में जगह भी है, इसलिए किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। आईपीएस की तैयारी करके अब केशव काफी थक चुका है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कौन सी जगह कहाँ है, हम क्यों याद करें, या जीपीएस है तो कहाँ क्या उगता है, कहाँ की क्या चीज फेमस है, वो ये सब कुछ याद कर करके थक चुका है। उसे लगने लगा है कि वो ये नहीं कर पाएगा, पर पापा की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता है, माँ और पापा के तानों से बचना चाहता है, इसलिए इस एग्जाम को क्लियर करने की कोशिश में लगा हुआ है। आज जब माँ पापा वॉक करने गए थे शाम को, तब उन्होंने फोन करके केशव को वहाँ बुलाया था। मम्मी पापा नहीं होते तो उसे थोड़ी शांति तो मिलती है, थोड़ा तो उनके तानों से बच पाता है, उसके लिए टाइम बहुत प्रेशियस होता है, पर आज ना जाने क्यों उससे ये टाइम भी छीन लिया गया था। वो अपने घर के कपड़े शॉर्ट्स और टी शर्ट में जब पार्क में पहुंचा तो देखा कि बेंच पर मॉम डैड के साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी थी। वो लड़की जिसकी ग्रीन ब्राउन आईज थी, बहुत ही फेयर स्किन, बहुत स्लिम ट्रिम, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, बिल्कुल एक मॉडल जैसी। केशव को लग रहा था यार उसे कपड़े तो बदल कर आने चाहिए थे। खैर माँ पापा आज उसकी अनयूजुअली बहुत तारीफ भी कर रहे थे। माँ कह रही थी मेरे बेटे ने IIT से इंजीनियरिंग की है, तो पापा कह रहे थे ये IPS की तैयारी कर रहा है, जी डिटेक्टिव नाम की एजेंसी भी चलाता है, न्यूज़पेपर में फोटो भी आ चुकी है। केशव समझ रहा था कि इस लड़की में ये अपनी फ्यूचर बहू देख रहे हैं। वो लड़की जिसका नाम आलिया था, वो घर के बने हुए अपने हाथ के बनाए हुए लड्डू भी लेकर आई थी।
बहू खूबसूरत हो, साथ साथ खाना भी बना ले, एक सास को इससे ज्यादा क्या चाहिए। उनकी आंखों में चमक आ चुकी थी, पर ये चमक ज्यादा देर नहीं टिक पाई थी, क्योंकि तभी एक 6-7 साल की छोटी सी बच्ची भागती हुई आई थी, मम्मा कहकर आलिया की गोद में बैठ गई थी। माँ पापा की डिसअपॉइंटमेंट साफ दिखाई दे रही थी, वो उसी समय खड़े हो गए थे और केशव को कहा था घर चलो। घर आकर केशव उन पर बहुत हंसा था, पर उन्होंने फिर भी केशव को कहा था कि उसे अच्छे से ड्रेस होना चाहिए था। केशव ने कहा उसकी तो शादी हो चुकी है, फिर क्या फर्क पड़ता है। एनीवे सौरभ बहुत परेशान है क्योंकि लड़कियां उसे रिजेक्ट कर रही है मोटापे की वजह से। वो पतला होना चाहता है, सिक्स पैक एब्स बनाना चाहता है और केशव की मदद चाहता है। केशव कहता है कि वो पहले ही बहुत बार ट्राई कर चुका है और उसे डिसअपॉइंटमेंट मिली है। सौरभ बीच में ही ट्रेनिंग छोड़ देता है, वो फिट नहीं हो पाएगा, पर सौरभ थोड़ा सा डिटर्मिंड है। अगले ही दिन जब पापा बाहर गए होते हैं और सौरभ ऑफिस गया होता है, तो वो लड़की आलिया के घर पर आ जाती है पायसम लेकर। इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, पर क्यों इम्प्रेस करना चाहती है, केशव से मिलना चाहती थी। केशव आज कपड़े चेंज कर शर्ट और पैंट पहनकर बाहर आया था, क्योंकि लड़की है तो खूबसूरत चाहे शादीशुदा हो। वो जो केशव के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह आई थी, केशव की जी डिटेक्टिव एजेंसी के लिए एक नया केस लेकर आई थी। आलिया जिसकी माँ मलयाली है, केरला में रहती है, उसके पापा राजपूत थे, आर्मी में कश्मीर में टेररिस्ट अटैक में वो शहीद हो गए थे। 17 साल की उम्र में ही मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था, दिल्ली आई थी मॉडलिंग करते हुए और वहीं मनीष नाम के एक लड़के से प्यार हो गया था। इनफैक्ट मनीष अरोड़ा जो कि नवरत्न ज्वेलर के मालिक का बेटा था, उसने जब पहली बार आलिया को देखा था फैशन शो में उसकी दुकान की ज्वेलरी पहने हुए, तो उसका दिल उस पर आ गया था, लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, और वो नेकलेस उसने आलिया को ही गिफ्ट कर दिया था, उसे शादी करने के लिए प्रपोज भी कर दिया था बहुत जल्दी ही। अब एक पंजाबी फैमिली में एक कैरलाइट बहू कैसे फिट हो सकती है। तो यहाँ हमें बहुत सारा फैमिली ड्रामा देखने को मिलता है, क्योंकि मनीष उस तरह का लड़का है जो प्यार करता है, प्यार पाना चाहता है, उसके लिए लड़ना भी जानता है, पर कहीं ना कहीं माँ के सामने भी बोलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। माँ और आलिया उसकी जिंदगी में दो औरतें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, और इन्हीं दोनों के सामने वो आलिया को प्रपोज करता है, माँ के लिए बहुत शॉकिंग होता है। गर्लफ्रेंड को घर पर लाना एक अलग बात है, पर एक लोअर मिडिल क्लास लड़की को प्रपोज करना, अरोड़ा खानदान की बहू बनाना की दूसरी बात। उनके लिए तो सोसाइटी में बहुत बड़ा दिखावा होता है ना शादी, क्या दिखाएंगे बहू किस खानदान की है, दहेज में क्या लाई है। चाहे उसकी आपको जरूरत ना हो, पर दुनिया दिखावे के लिए दहेज चाहिए होता है, दुनिया दिखावे के लिए वो परिवार चाहिए होता है जिसे दिखाकर आप लोगों के सामने बूस्ट कर सको। तो वो आलिया को देखकर बहुत डिसअपॉइंट हुई थी, उन्हें नहीं चाहिए थी एक खूबसूरत बट लोअर मिडिल क्लास लड़की, उन्होंने मना कर दिया था। अब आलिया को जब मनीष के सामने उसकी माँ ने बेइज्जत किया, तो उसने भी सोच लिया था कि मैं ये घर में शादी करके तो नहीं आऊंगी। पर मनीष नेक्स्ट लेवल तक गया, वो केरला गया, आलिया की माँ को मनाया, और जब भी मौका मिलता वो उससे मिलने केरला जाता। फिजिकल रिलेशन दोनों के बीच में बन चुका था, दोनों के बीच में बहुत गहरा प्यार हो चुका था, और आलिया प्रेग्नेंट हो गई थी। अब इस कार्ड को खेलकर मनीष ने सोचा था कि आलिया को अपने घर में गुस्सा आया जा सकता है। उसने एक दूसरा तरीका सोचा था, उनके एक परिवार के पुरोहित जी थे, पंडित जी थे, जिस पर उसकी माँ दुर्गा को बहुत विश्वास था। उसकी माँ उनसे पूछे बिना कोई काम नहीं करती थी, इसलिए मनीष पंडित जी के पास गया था, उन्हें कहा था कि नकली जन्म पत्री बना दो और हम दोनों की शादी करवा दो। पंडित जी ने कहा नकली जन्म पत्री तो नहीं बनाऊंगा, हाँ असली जन्म पत्री ही मिलाऊंगा, जो कमियां होंगी उसके उपाय तुम्हारी माँ को बता दूंगा और तुम्हारी माँ से बात कर लूंगा। उन्होंने दुर्गा से बात की थी और दुर्गा को शादी के लिए मना भी लिया था। वही मनीष के पापा शमशेर जो डिफेंस से रिटायर हुए थे, उसके बाद ही उन्होंने ये ज्वेलरी का बिजनेस शुरू किया था। उन्होंने इस शादी के लिए इनकार नहीं किया था, क्योंकि आलिया के पापा भी डिफेंस में थे और एक अलग सा कनेक्शन डिफेंस के लोग अपने बीच में फील करते हैं, इसलिए वो इस शादी के लिए राजी हो गए थे और आलिया को सपोर्ट भी करते थे, पर अपनी बीवी दुर्गा के सामने नहीं बोल पाते थे। मनीष का एक भाई भी था तन्मय, जिसे घर में प्यार से टिमी कहकर बुलाया जाता था। आलिया शादी के बाद घर तो आ गई थी, पर
अपनी सांस के तानों से बड़ी परेशान रहती। वो छोटी सी तो थी ही, 18 साल की भी नहीं हुई थी, प्रेग्नेंट हो गई थी और अरोड़ा खानदान में बहू बनकर आ गई थी, तो उसके लिए सब कुछ बहुत मुश्किल होता था। घर में कुछ भी गलत होता तो उसके लिए आलिया को जिम्मेवार ठहरा दिया जाता। कहा जाता कि यही बैड फॉर्च्यून लेकर आई है, यही बैड लक लेकर आई है। अगर बिजनेस में थोड़ा सा भी मंदा आता तो कहा जाता कि ये बिल्ली आंखों वाली नू जो है इसी की वजह से सब कुछ खराब हो रहा है, और आलिया को सब कुछ बहुत बुरा लगता। वो मनीष को जब भी कहती, मनीष कहता कि तुम समझदार हो, तुम छोटी हो, वो बड़ी है, तुम उनकी थोड़ी सी बातें सुन भी लोगी तो क्या फर्क पड़ेगा। बट एक्चुअल में मुश्किल होता है ना सारा टाइम ताने सुनना, किसी ऐसे इंसान के साथ रहना जो सिर्फ और सिर्फ आपको क्रिटिसाइज करे, आपके हर मूव पर वो ध्यान दे कि कब कमी निकालूं और कब इसकी बेइज्जती करूं। आलिया के साथ ऐसा ही हो रहा था। सिचुएशन थोड़ी ठीक हो जाती अगर वो बेटे को जन्म देती, पर उसने एक बहुत प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था जिसका चेहरा आलिया से मिलता था, आंखें भी बिल्कुल आलिया जैसी यूनिक, बहुत प्यारी बच्ची जिसे पाकर मनीष तो बहुत खुश हुआ था, पर दुर्गा ने तो उसे गोद में उठाने से भी इनकार कर दिया था। हाँ, उसके पिता ने जरूर उसे प्यार दिया था, ब्लेसिंग्स दी थी, और आलिया को अपनी सास का ये बिहेवियर नहीं पसंद आया था, जो कभी भी आलिया से प्यार से बात तो करती ही नहीं थी, सिर्फ तानों में बात करती थी। अब आलिया इस घर में आखिर कब तक रहती? बिजनेस थोड़ा मंदा हो गया था और जिम्मेवार ठहराया जा रहा था आलिया को, और चुड़ैल भगाओ की पूजा भी रख दी थी घर में। आलिया को अब यहाँ नहीं रहना था, वो अपनी बच्ची को लेकर केरला चली गई थी। मनीष से कहा था अगर अलग घर में लेकर जाओगे तभी जाऊंगी। मनीष आलिया को तो बहुत प्यार करता है, इसलिए वो मान गया था, और तब ये लोग आइकॉनिक अपार्टमेंट में गोल्फ कोर्स रोड पर शिफ्ट हो गए थे, जो इसके ससुराल से सिर्फ 2 ही किलोमीटर दूरी पर था। वीकेंड्स पर वहाँ चले जाया करते थे, कोई फेस्टिवल होता था, कोई ओकेजन होता था, तब साथ में सेलिब्रेट कर लेते थे। उसके भाई की वाइफ भी थी और साथ में उनके 2 बेटे भी थे, जिन्हें आलिया की बेटी से ज्यादा प्यार मिलता था क्योंकि वो लड़के थे। मनीष कहता था कि ये जस्टिफाइबल है, लड़कों को ज्यादा प्यार मिलता है, लड़कियों को कम मिलता है, पर आलिया के लिए बहुत अजीब था। आलिया की बेटी का नाम सिया रखा गया था, और कुछ सालों के बाद आलिया ने एक और बेटी को जन्म दिया था जिसका नाम सुहाना रखा गया था। आलिया अपने परिवार में बहुत खुश थी, बस उसे इन लॉज के घर जाना पसंद नहीं था। हाँ, मनीष के लिए जाना पड़ता था, और अब बच्चों के लिए भी। आलिया की दोनों बेटियों को अपने दोनों कजिन्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था, और इसी दौरान किडनैपिंग हुई थी जिसका केस लेकर आलिया केशव के पास आई थी। केशव ने किडनैपिंग का केस तो पहले कभी सॉल्व नहीं किया, पर उसकी आंखों में चमक आ गई थी, एक नया केस, एक नई अपॉर्चुनिटी, कुछ तो जिंदगी में होगा इतनी बोरिंग आईपीएस की पढ़ाई करने के अलावा। और उसने ये केस लेने के लिए हाँ कह दिया था, पैसे भी नहीं पूछे थे, पर आलिया तो बहुत अमीर खानदान की बहू है, उसने 5 लाख रुपए ऑफर किए थे, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। केशव की माँ आलिया के शादीशुदा होने पर थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी, पर जब 5 लाख का अमाउंट सुना था तो उन्होंने कहा था करो करो, ये केस तुम ही सॉल्व करो। आलिया ने कहा था केस सॉल्व हो या ना हो, पर मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ। हाँ, आपको ये तो मैंने बताया नहीं किडनैपिंग किसकी हुई। किडनैपिंग हुई आलिया की बड़ी बेटी सिया की, जो उस समय 13 साल की थी, 1 महीने बाद 14 साल की होने वाली थी, और जब ये लोग आलिया के ससुराल में थे तब ये किडनैपिंग हुई थी। बात है 16 सितंबर की, जो रात आलिया कभी नहीं भूल सकती। उस दिन वो चारों बच्चे एक ही कमरे में थे। आलिया बेटियों को कह रही थी कि दूसरे कमरे में सो जाओ, पर बच्चे सब एक साथ सोना चाहते थे, एक बेड पर चारों बच्चे कैसे फिट आएंगे। आलिया मना कर रही थी पर बच्चे नहीं मान रहे थे, फाइनली आलिया ने गिव अप कर दिया था। सिया जो फोन पर लगी हुई थी, आलिया ने उसका फोन ले लिया था और कहा था रात को चुपचाप सो जाओ, फोन यूज नहीं करना। सिया सबसे कॉर्नर में सो रही थी, उसके साथ सुहाना और उसके बाद उनके दोनों कजिन्स। आलिया ने कमरे की लाइट बंद कर दी थी, बाथरूम की लाइट जलाकर दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया था ताकि बच्चों को डर ना लगे, और बच्चों को ये कहकर कि जल्दी सो जाओ वो नीचे चली गई थी जहाँ पर उसके इन-लॉज सब एंजॉय कर रहे थे। ये लोग बहुत अमीर हैं, साथ साथ थोड़े ब्रॉड माइंडेड भी थे, सब लोग वहाँ पर ड्रिंक कर रहे थे, चाहे उसमें आलिया के ससुर जी हो, उसकी सास हो, उसके देवर हो, उसका हस्बैंड हो, और आलिया को भी ड्रिंक ऑफर की थी उसके ससुर जी ने, पर आलिया ने कहा था कि मुझे नींद आ रही है।
वो जाने लगी तो मनीष ने पूछा था, क्या मैं एक दो ड्रिंक के बाद आ जाऊँ? आलिया ने कहा था, तुम्हारी मर्जी, जब आना हो आ जाना, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वो कमरे में जा रही थी तो पीछे से दुर्गा ने कहा था, अब तो टीचर जी ने तुम्हें परमिशन दे दी है, आराम से पियो, डरने की जरूरत नहीं है। इस कमेंट से आलिया को बहुत गुस्सा आया था, पर मनीष उसे समझा कर लाया था कि लड़ना नहीं है, चुप रहना है, सिर्फ दो दिन की बात है। आलिया अपने कमरे में चली गई थी, मूड जरूर ऑफ हो गया था, नींद भी नहीं आ रही थी। 11 बजे के बाद मनीष आया था कमरे में, उसने आलिया से पूछा था और अपनी माँ की गलती के लिए माफी भी मांगी थी। आलिया ने पूछा था, बच्चों को देखा? मनीष ने कहा था, हाँ चारों बच्चों को देख कर आया हूँ, वो लोग सो रहे थे या फिर सोने की एक्टिंग कर रहे थे, आलिया ने कहा। मनीष ने कहा, ये तो मैं नहीं जानता, उसने आलिया को मनाया था, उसे माफी मांगी थी, उसके बाद ये लोग सो गए थे। सुबह उठकर जब ये लोग गार्डन में चाय पी रहे थे तब सारे बच्चे उठकर आए थे, पर उसमें सिया नहीं थी। सिया कहाँ चली गई? शायद वॉशरूम में होगी, ये सोचकर थोड़ी देर तो इन लोगों ने वेट किया था। उसके बाद पूरा घर चेक कर लिया था, कहीं भी सिया नहीं मिली थी, बहुत परेशान हो गए थे। आखिरकार पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया था, पुलिस इंस्पेक्टर रतन चौटाला वहां आ गए थे, साथ में दो लोगों को भी लेकर आए थे। पूरा घर अच्छे से सर्च किया गया था, कहीं भी सिया का कुछ पता नहीं था। फोन भी आलिया के पास था तो कॉन्टेक्ट भी कैसे करें। पीछे का दरवाजा खुला रह गया था। शमशेर अरोड़ा, मनीष के पिता, उन्होंने कहा कि हमेशा नौकर दरवाजा बंद करता है, पर शायद आज भूल गया होगा। दो ड्राइवर्स हैं उनके, उनका कुक है मनोहर जो कि पिछले 5 साल से काम करता है, हाँ कभी कभी ग्रोसरी चुराता हुआ पकड़ा गया है, तनख्वाह बढ़ाने के लिए भी कहता रहता है, पर काम तो कर ही रहा है, इसलिए इन लोगों को अपने किसी भी सर्वेंट पर कोई शक नहीं है। पर पुलिस तो सबसे पूछताछ करेगी ही, मनोहर से भी पूछा गया, दोनों ड्राइवर से भी पूछा गया, उसके बाद अब आखिर क्या किया जाए। कुछ ही घंटे हुए हैं, इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि आपको इंतजार करना होगा 24 घंटे तक, हो सकता है कि कोई आपसे पैसों की डिमांड करे, किसी ने पैसों के लिए किडनैप किया हो, या फिर कोई बॉडी। आलिया के लिए तो ये बहुत शॉकिंग था, वो बहुत रो रही थी, बहुत टूट चुकी थी। एक माँ का क्या हाल होगा अगर उसकी बच्ची अचानक से गायब हो जाए, ये हम सोच ही सकते हैं। वैसा ही कुछ आलिया के साथ भी था, वो चाहती थी कि कुछ भी हो बस जल्दी से मेरी बच्ची मिल जाए। आखिर एक जवान बच्ची है, 14 साल की बच्ची, उसके साथ ना जाने कौन क्या करेगा। उसके मन में हजार तरह के सवाल आते, वो बहुत परेशान हो उठती। उसने इंस्पेक्टर साहब से कहा था, कुछ भी करके मेरी बच्ची को ढूंढ लो। उन्होंने कहा था कि हम कोई जादूगर तो है नहीं, कोशिश कर रहे हैं और तुम्हारी बच्ची जरूर मिल जाएगी। घर में सब लोग बहुत परेशान थे, सब लोग सिया को ढूंढने के लिए अपनी अपनी कोशिश कर रहे थे। सिया के सभी दोस्तों को भी फोन किया गया था, पर किसी को कुछ नहीं पता था। इंस्पेक्टर साहब ने पूछा, कोई रात को लड़ाई हुई हो, आपने किसी बात पर डांटा हो और वो घर से भाग गई हो? पर ऐसा तो नहीं हुआ था। इंस्पेक्टर साहब ने पूछा, कोई बॉयफ्रेंड, किसी के साथ चक्कर? ऐसा भी नहीं था। सिया का फोन भी वहीं पर था, उसे चेक किया गया था, छोटे मोटे कुछ मैसेजेस थे, फनी मैसेजेस थे, फ्रेंड्स के साथ छोटी मोटी कोई चैट थी, पर ऐसा कोई प्लान नहीं था कि वो कहीं जाने वाली हो। तो आखिर सिया गई तो गई कहाँ? दिन संडे का था, पर क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है, एक बहुत अमीर परिवार की लड़की गायब हो गई है, इसलिए इंस्पेक्टर साहब काम पर लगे हुए थे। दुर्गा अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही थी और आलिया को वो बेइज्जत कर रही थी। इंस्पेक्टर साहब के सामने भी इन दोनों के बीच में नोकझोंक चल रही थी। इंस्पेक्टर साहब देख पा रहे थे कि फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है। ये लोग पुलिस स्टेशन चले गए थे, वहाँ पर जब दुर्गा और आलिया के बीच में नोकझोंक हुई, उसने आलिया को इस सब के लिए दोषी ठहराया, कहा कि आजकल लड़कियों को अकेले रहने की आदत होती है, परिवार के साथ नहीं रहती, बच्चों को अलग सुलाया जाता है, हमारे टाइम में बच्चे माँ बाप के साथ सोते थे, तब ऐसा कुछ नहीं होता था। और आलिया जो पहले ही बहुत परेशान है, उसने जब जवाब दिया था तो दुर्गा बहुत गुस्सा हो गई थी और खड़ी हो गई थी, कहा था कि मैं एक मिनट भी यहाँ नहीं रहूंगी। तब मनीष ने अपने पिता को कहा था कि आप माँ को घर लेकर जाओ, यहाँ मैं देखूंगा। रात के 11 बज चुके थे, पर आलिया घर नहीं जाना चाहती थी। इंस्पेक्टर साहब को घर जाना था, तब इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि अब मुझे घर जाना है, हम अगली कार्यवाही कल से करेंगे। तो आलिया ने कहा कि मैं यहीं पर रहूंगी, मैं घर नहीं जाऊंगी, उसे सुबह से कुछ खाया तक नहीं था। तब मनीष उसे जबरदस्ती घर ले गया था।
रात को उसे नींद नहीं आ रही थी। आपकी जवान बच्ची गायब हो जाए तो खाना, नींद, ये सब तो आपके लिए कोई मायने रखते ही नहीं। आलिया बिल्कुल टूट चुकी थी। दिन धीरे धीरे बीतने लगे, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। उसके बाद एक दिन आलिया अपने इन लॉज के घर पर ही थी, तब उसके फोन पर मैसेज आया था, 5 लाख रुपए की डिमांड हुई थी। अगर बच्ची चाहिए तो टिफिन बॉक्स में 5 लाख रुपए रखकर सुल्तानपुर नेशनल पार्क में एक जगह बताई गई थी, वहाँ बेंच के नीचे टिफिन बॉक्स में 5 लाख रुपए रखने थे। आलिया ने जब ये मैसेज घर वालों को दिखाया था तो वो लोग और परेशान हो गए थे, पर सोचा था 5 लाख रुपए उनके लिए कुछ मायने नहीं रखते। 5 लाख रुपए वो चुटकियों में दे सकते हैं। उन्होंने कहा था कि हम पैसे तो दे देंगे पर पुलिस को इन्वॉल्व करना जरूरी है। आलिया को डर लग रहा था कहीं पुलिस के होने की वजह से वो लोग उसकी बच्ची के साथ कुछ करना थे। उसने अपने ससुर जी को कहा था कि आप प्लीज पैसे दे दीजिए। उन्होंने कहा था मेरे लिए 5 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखते और ये तय हुआ था कि टिफिन बॉक्स में 5 लाख रुपए रखकर वहाँ ले जाए जाएंगे जहाँ पर किडनैपर ने कहा है, पर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया था। इंस्पेक्टर चौटाला अपने कुछ साथियों को लेकर वहाँ पहुँच गए थे। सिविल यूनिफॉर्म में कुछ इंस्पेक्टर्स और कुछ लेडीज वहाँ पार्क में घूम रहे थे, आसपास बेंच पर बैठ गए थे, क्योंकि उस किडनैपर को रंगे हाथों भी तो पकड़ना था। किडनैपर ने जिस नंबर से मैसेज किया था वो एक जिब्रिश सा नंबर था जहाँ पर आप कॉल बैक नहीं कर सकते और उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई तरीका नहीं था। मैसेज आया था कि पैसे मिलने के बाद पार्क के गेट पर सिया को छोड़ दिया जाएगा। पैसे रख दिए गए थे, पार्क के गेट पर ये लोग इंतजार कर रहे थे, पर सिया नहीं आई थी। हाँ, जिस आदमी ने उस टिफिन बॉक्स को उठाया था उसे पुलिस ने पकड़ लिया था। उसका नाम सोनू था और वो उनके कुक मनोहर का रिश्तेदार था। दोनों के बीच में SMS भी एक्सचेंज हुए थे। पुलिस को लग रहा था कि उन्हें एक बहुत बड़ी जीत मिल गई है, कुक ने ही लड़की को किडनैप किया होगा। दोनों ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा है। दोनों को पकड़कर पुलिस में बंद कर दिया गया था। पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली थी। जब एक हाई प्रोफाइल केस होता है तो पुलिस पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है अपने आप को प्रूव करने का। सब लोगों की, मीडिया की नजर होती है उस केस पर। पुलिस को प्रूव करना होता है कि हमने अपराधी को पकड़ लिया ताकि जो उनके ऊपर दाग लगे हुए हैं उन्हें मिटाया जा सके। आलिया ने कहा था पहले सिया को तो ढूंढ कर लाओ, तभी तो फायदा होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। पर इंस्पेक्टर ने कहा था जब किडनैपर मिल गए हैं तो बच्ची भी मिल जाएगी। फिलहाल तो वो लोग ये बात नहीं मान रहे कि उन्होंने बच्ची को किडनैप किया है। खैर, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें दुर्गा, शमशेर, मनीष और आलिया चारों थे। एक रिपोर्टर ने आलिया से पूछा था क्या आप खुश हो। आलिया ने कहा था मैं खुश तभी होंगी जब मेरी बच्ची मिल जाएगी। उन्होंने इस बात को तोड़ मरोड़ दिया कि घर वाले पुलिस के काम से नाखुश हैं। जब दुर्गा से पूछा गया तो उसने मॉडर्न पेरेंटिंग को दोषी ठहरा दिया, कहा कि बच्चों को अकेले आजकल घर में सुलाया जाता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। नेशनल टेलीविजन पर उन्होंने आलिया की बेइज्जती की थी जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। मीडिया ने इस बात को बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ के पेश किया था। इंस्पेक्टर भी नाखुश हुआ था कि आलिया को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पर मुद्दा तो सिया का था ना। दो लोगों को पकड़ लिया उससे क्या फर्क पड़ता है जब तक बच्ची नहीं मिली। पर बच्ची नहीं मिली। उन दोनों ने इनकार कर दिया कि उनके पास बच्ची नहीं है। आलिया खुद मनोहर से मिलने गई थी जिसने आलिया के पैरों में पड़कर माफी मांगी थी। उसने कहा था सिर्फ पैसों के लिए उन्होंने ये षड्यंत्र रचा था, उनके पास सिया नहीं है। उन्होंने सोचा था इस मौके का फायदा उठा लें और 5 लाख रुपए लेकर यहाँ से भाग जाकर अपना कोई नया काम शुरू कर दे। हर कोई आपकी मुसीबत से फायदा उठाना चाहता है, ऐसा ही कुछ मनोहर भी करने की कोशिश कर रहा था। पर सिया है तो है कहाँ? आलिया की प्रॉब्लम तो अभी भी वही है ना, उसे अपनी बच्ची चाहिए और इसलिए वो एक दो बार पुलिस इंस्पेक्टर पर चिल्ला भी दी थी जिससे वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वैसे भी वो आलिया की इस बात से अपसेट हो गए थे और वो केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, पर उनके ऊपर मीडिया का प्रेशर आ चुका था। हर जगह इस केस के बारे में बात होने लगी थी, हर जगह इस केस को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा था। वहीं ट्विटर पर एक नया ट्रेंड चल गया था, मॉडर्न पेरेंटिंग पर सवाल खड़े होना शुरू हो गए थे। दिन निकलते जा रहे थे, सिया का कुछ पता नहीं चल रहा था। तब आलिया के ससुर जी ने तय किया था कि हम सिया को ढूंढने वाले के ऊपर इनाम रखते हैं। जैसे KBC में होता है, 7 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया था। एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया था कि जो भी सिया को ढूंढ कर लाएगा उसे 7 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस ऐलान के बाद मीडिया और ज्यादा एक्टिव हो गई थी और भी गलत तरीके से इस सब को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा था। आलिया जो कि स्क्रीन पर बैठी है, माँ जो कोई इमोशंस नहीं दिखा रही, आलिया रो नहीं रही इसका मतलब वो दुखी नहीं है, सास जिसने 2-2 हीरे के सेट पहने हुए हैं, अच्छे से तैयार होकर बैठी है, ये लोग
दिखाना क्या चाहते हैं। मीडिया में सवाल उठाए जाने लगे परिवार के ऊपर। अरोड़ा खानदान जो कि 7 करोड़ रुपए देकर खरीदना चाहता है लोगों को, केस को तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहता है। हो सकता है कि सिया के गायब होने में उन लोगों का ही हाथ हो, परिवार वाले ही इस सब में मिले हुए हो। सास और बहू के बीच में नोकझोंक चलती रहती है, दोनों की बनती नहीं है, तभी तो सब 2 किलोमीटर दूर जाकर आलिया अपने परिवार के साथ रह रही है। घर में ही कोई बड़ी टेंशन है, इसी वजह से सिया गायब हुई है और इस बात को छुपाने के लिए 7 करोड़ का इनाम रखा गया है। आलिया ने जब ये आर्टिकल पढ़ा तो वो बहुत अपसेट हुई थी। उसे टीवी के रिपोर्टर ने बुलाया भी था और कहा था कि अपनी बात रखो, अपनी बात दुनिया के सामने रखने का मैं मौका आपको देना चाहता हूँ। आप नेशनल टेलीविजन पर आओ और बताओ कि क्या हुआ है, क्या चल रहा है आपके परिवार के बीच में। आलिया ने इनकार किया था। जब ये सब कुछ टीवी पर देखा था तो दुर्गा बहुत गुस्सा हो गई थी। उसने बहुत गुस्से में आलिया को फोन किया था और उसे बहुत बुरा भला कहा था। उसने कहा था, तेरी जैसी मनहूस की वजह से हमारे परिवार के ऊपर ये मुसीबत आ गई है। मुझे और तुम्हारे पापा जी को अपनी बच्ची की किडनैपिंग के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से हमारा परिवार बर्बाद होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। आलिया बहुत टूटी हुई थी। फोन मनीष ने ले लिया था और अपनी माँ को चुप कराने की पूरी कोशिश की थी और कहा था कि हम वहीं आ रहे हैं, घर पर बैठकर बात करेंगे। इस सब का बिजनेस के ऊपर बुरा असर पड़ने वाला है। हर चैनल पर यही दिखाया जा रहा था कि परिवार ही जिम्मेवार है। वो 7 करोड़ रुपए देकर क्या दिखाना चाहते हैं? पैसा देकर वो कानून को खरीदना चाहते हैं, एक बच्चे की जिंदगी खरीदना चाहते हैं। माँ जिसने टीवी पर आने से इनकार कर दिया, इस बात की सफाई देने से इनकार कर दिया, जब घर में 6 बड़े लोग थे, 3 और बच्चे थे, तो एक छोटी सी बच्ची कैसे गायब हो सकती है? इस सब में परिवार का ही हाथ है और पुलिस को परिवार से सवाल पूछने चाहिए थे। जब इंस्पेक्टर चौटाला को लाइन पर लिया गया तो उन्हें कहा गया कि तुमने परिवार से बात क्यों नहीं की, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछे। इंस्पेक्टर चौटाला ने कहा था कि परिवार बहुत कोऑपरेटिव है। मीडिया ने इस बात को और तोड़ मरोड़ दिया था कि इंस्पेक्टर बिक गया है, पुलिस बिक गई है, पैसे से आज के समय में सब कुछ खरीदा जा सकता है, हर जो चीज चमकती है वो सोना नहीं होती, परिवार ही जिम्मेवार है इस किडनैपिंग के पीछे। जब मनीष और आलिया घर पहुंचे थे तो शमशेर बहुत रो रहा था, अपना सर पीट रहा था। वो कह रहा था कि मेरी ही बच्ची की किडनैपिंग के लिए मुझे जिम्मेवार कैसे ठहराया जा सकता है, और दुर्गा इस सब के लिए सिर्फ और सिर्फ आलिया को जिम्मेवार ठहरा रही थी। उसे बुरा भला कहते कहते दुर्गा ने कहा था कि तेरी मनहूस लड़की की वजह से आज हमारे परिवार के साथ बुरा हो रहा है। तब आलिया खड़ी हो गई थी। मुझे जो मर्जी कहो पर अपनी बच्ची के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगी, उसने दुर्गा की तरफ उंगली कर दी थी। पहली बार उसने दुर्गा को इस तरह से जवाब दिया था। मनीष जो इस सब में कुछ नहीं बोलता, वो आलिया को सपोर्ट करने के लिए अपनी माँ को कभी चुप नहीं कराता, ये आलिया के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग है। शुरू से वो मनीष के इस बिहेवियर से हमेशा तकलीफ में रहती है कि मनीष को सामने आकर उसे सपोर्ट करना चाहिए। जब माँ चली जाती है तो वो आलिया से माफी मांगता है, उसके आगे रोता है, कहता है कि मेरी माँ ठीक नहीं है, पर तुम समझो मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। एक लड़की क्या चाहती है? वो चाहती है कि उसका पति सबके सामने उसे सपोर्ट करे, अगर सच्चा प्यार करता है तो सबके सामने दिखाए। पर मनीष ऐसा नहीं कर पाता था। उसका कहना था कि माँ बहुत परेशान है, बहुत स्ट्रेस्ड है। पर आलिया की तो बच्ची गायब हुई है, क्या वो स्ट्रेस नहीं है? उसकी भावनाओं को कौन समझेगा? वो और ज्यादा टूटती जा रही थी। हर कोई अब उसे बनावटी दिख रहा था। उसे लग रहा था कि ट्विटर पर ये जो चल रहा है, मीडिया में जो चल रहा है, हो सकता है कि यही सच हो, हो सकता है कि ये औरत ही जिम्मेवार हो। ये वैसे भी सिया को कभी प्यार नहीं करती थी, उसे कभी नहीं चाहती थी। पुलिस के ऊपर अब प्रेशर हो चुका था परिवार से सवाल करने का, और उन्होंने एक बार फिर परिवार से बुरी तरह से सवाल पूछने शुरू कर दिए गए थे। रोज पूरे परिवार को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता था। सुहाना से एक बार फिर पूछा गया था, वो छोटी सी बच्ची से सवाल पूछे गए थे, आखिर कौन था? वो बार बार कह रही थी, बैटमैन था जो मेरी दीदी को ले गया। उसने क्या कहा, वो कैसा दिखता था? सुहाना का कहना था कि उस समय अंधेरा था, वो ज्यादा ध्यान से नहीं देख पाई। पूछा गया कि वो लंबा था या छोटा था, सुहाना ने कहा नॉर्मल था। उससे पूछा गया कि उसने टी शर्ट पहनी थी या पैंट शर्ट पहनी थी या कुर्ता पहना था, तब सुहाना ने सोचकर कहा कि शर्ट या फिर कुर्ता, क्योंकि उसके बटन सुहाना ने देखे थे। उस बैटमैन ने क्या कहा था, सुहाना से पूछा गया। उसने कहा कि उसने चक्कू दीदी की गर्दन पर लगाया था और कहा था, चलो यहाँ से, अगर तुम कुछ बोलो कि तो तुम्हारे भाई बहनों को सबको मार दूंगा, चलो चलो लेट्स गो। हिंदी या फिर इंग्लिश, इंस्पेक्टर ने पूछा। उसने कहा मिक्स। उसके अलावा कुछ और याद है, तो सुहाना ने कहा कि उसने हाथ में घड़ी पहनी थी और उसके हाथ में
फ्रेंडशिप बैंड्स थी। फ्रेंडशिप बैंड? इंस्पेक्टर ने पूछा, ये क्या होता है? जिस पर आलिया ने बताया कि बच्चे आपस में एक दूसरे को ये बैंड्स देते हैं, इसमें कुछ कलरफुल धागे होते हैं जिन पर कुछ वर्क किया होता है, कुछ डिजाइन बने होते हैं। इसके अलावा तो सुहाना ज्यादा कुछ नहीं बता पा रही थी क्योंकि कमरे में अंधेरा था, और वैसे भी एक छोटी बच्ची से आप ज्यादा क्या पूछ सकते हो। वो इतना डर जाती थी कि वो बोल ही नहीं पाती थी। परिवार के साथ साथ बाकी लोगों से भी सवाल पूछने शुरू किए गए जो कि आलिया से या फिर सिया से कनेक्टेड थे। सिया की टीचर्स ज्यादातर लेडीज थी। आसपास जो उसके फ्रेंड्स थे वो उसी की एज ग्रुप के थे। उसके फोन को स्कैन किया गया था जिसमें ज्यादा कुछ नहीं मिला था, पर एक ट्यूटर था उसका जो उसे मैथ्स पढ़ाने आता था, 21 साल का लड़का धर्मेश। उससे पूछताछ की गई। धर्मेश ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता। उससे पूछा कि सिया तुम्हें कुछ बता रही हो, कुछ बात हुई हो? तो उसने कहा कि पढ़ाई के अलावा ज्यादा बात नहीं होती थी, पर वो कहती थी कि मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती है, हमेशा मुझे प्रेशराइज करती रहती है कि मुझे फर्स्ट आना होगा। आलिया ने कहा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब ने आलिया को चुप करा दिया। धर्मेश ने इंस्पेक्टर को ये भी बताया कि सिया अपने माँ बाप की लड़ाइयों से परेशान थी। वो कभी कभी बहुत दुखी होती थी। धर्मेश से कहती थी कि मेरा इस घर में रहने को जी नहीं करता, मम्मी पापा जब देखो लड़ते रहते हैं। धर्मेश से कहा कि अपना फोन दिखाओ। धर्मेश के हाथ कांप रहे थे फोन देते समय। वो रोने लगा था। उसने कहा था, आलिया दीदी ये सब कुछ क्या हो रहा है? पर इंस्पेक्टर ने कहा था कि चुपचाप मेरी बात मानो वरना तुम्हें लॉकअप में बंद कर देंगे और वहीं जाकर सवाल पूछेंगे। धर्मेश ने कांपते हाथों से अपना फोन दे दिया था। उनके साथ इंस्पेक्टर वरुण थे जो टेक्निकल चीजें संभालते थे। उन्होंने फोन को स्कैन कर लिया था और उसकी सारी डिटेल्स अपने पास ले ली थी। फोन को जब चेक किया गया था तो उसमें सिया की बहुत सारी फोटोग्राफ्स मिली थी। किसी फोटोग्राफ में सिया स्क्रीन की तरफ देख रही है, किसी में उसके मुंह में पेंसिल है, किसी में वो मुस्कुरा रही है, कोई पीछे से ली गई थी, कोई साइड से ली गई थी। ये सब तो बहुत स्ट्रेंज है। अब फोकस शिफ्ट हो गया था परिवार से हटकर धर्मेश की तरफ। धर्मेश को लॉकअप में बंद कर दिया गया था और तब आलिया और मनीष भी पुलिस स्टेशन गए थे। धर्मेश से पूछा गया था कि सिया कहाँ है। उसने बताया था कि जब सिया किडनैप हुई तो वो गोवा में था, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। पर उसके फोन में सिया की इतनी सारी फोटोग्राफ्स क्यों? मनीष को बहुत गुस्सा आया था। वो तो धर्मेश को मारने चढ़ गया था पर पुलिस इंस्पेक्टर ने रोक लिया था। इंस्पेक्टर चौटाला ने कहा था कि इसे तो हम यही सीधा करेंगे, अगर ये सीधा सीधा नहीं मानेगा तो हमें टेढ़े तरीके से भी पूछना आता है। आलिया ने कहा था, तुमसे जो गलती हुई मैं सब माफ कर दूंगी, बस मेरी बच्ची ला दो। धर्मेश रो रहा था। उसने कहा था, मेरे पास बच्ची नहीं है, मैं नहीं जानता सिया कहाँ है। पर तुमने इतनी सारी फोटोग्राफ्स सिया की क्यों ली? धर्मेश ने कहा कि वो बहुत सुंदर है, मैं उसकी फोटोग्राफ्स बाकियों को दिखाता था, उसकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। इंस्पेक्टर चौटाला उसे हरियाणवी में गालियां देने लगा था। उसने कहा, सुंदर है? वो छोटी सी बच्ची तुझे सुंदर लगती है? धर्मेश बहुत रो रहा था। उसने कहा कि मैंने उसकी फोटोग्राफ्स अपनी माँ को भी दिखाई थी, बस ऐसे ही कुछ फोटोग्राफ्स ले ली थी और मेरा कोई मकसद नहीं था। धर्मेश को पकड़कर फिर से लॉकअप में बंद कर दिया गया था। वो बहुत रो रहा था। पुलिस ने जब धर्मेश का घर चेक किया था तो वहाँ पर 3 फ्रेंडशिप बैंड्स मिले थे। उनके बारे में जब धर्मेश से पूछा गया तो उसने कहा कि ये सिया ने उसे गिफ्ट दिए थे। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, अब गिफ्ट देने की बारी हमारी है। सिया को गायब हुए हुए 40 दिन हो चुके थे। हर जगह सिया को तलाश करने की कोशिश कर ली गई थी। आलिया बहुत परेशान थी। ना जाने कहां पर होगी उसकी सिया, ना जाने उसके साथ क्या हो रहा होगा। सिया को गायब हुए 70 दिन हो चुके थे। सुहाना स्कूल जा चुकी थी, मनीष ऑफिस जा चुका था, आलिया अपने घर के काम कर रही थी और सिया को ही याद कर रही थी। तभी गेट से फोन आया था, अमेजोन से कोई पैकेज आया है। जिस बंदे ने पैकेज दिया है उसने कोई साइन तक नहीं करवाया और वो यहाँ से चला गया। आलिया की मेड जाकर वो पैकेज ले आई थी जिस पर आलिया का एड्रेस तो लिखा था पर कोई भी इनवॉइस नहीं था। उसने मनीष को मैसेज किया था, क्या अमेजोन से कुछ मंगवाया है? मनीष ने रिप्लाई किया था, नहीं और मैं बहुत बिजी हूँ, अभी बात नहीं कर सकता। आलिया ने चक्कू लाकर वो पैकेज खोला था और उसमें से एक पैकेट निकला था जिसे देखकर आलिया के पैरों के तले जमीन निकल गई थी। उसकी चीख निकल गई थी और मेड घबराती हुई वहां आई थी। आलिया के हाथ पैर कांपने लगे थे। उसने कहा था, मुझे अभी मनीष को बुलाना होगा। कांपते हाथों से उसने मनीष को फोन किया था, मनीष ने फोन काट दिया था। उसने दोबारा फोन किया था और मनीष से कहा था, जो भी कर रहे हो सब कुछ छोड़कर आ जाओ।
वो वहीं खड़ी खड़ी उस पैकेज की तरफ देखती रही थी और पैकेज उसकी तरफ। 15 मिनट बाद मनीष घर पहुंचा था। जब मनीष ने वो पैकेज देखा था तो वो जोर से चिल्ला दिया था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने उसी समय इंस्पेक्टर को फोन कर दिया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। पुलिस इंस्पेक्टर चौटाला और इंस्पेक्टर वरुण आ गए थे। वो पैकेज जिसमें सिया का नाइट सूट था, वो नाइट सूट जो उसने किडनैपिंग के दिन पहना था। ग्लव्स पहनकर जब इंस्पेक्टर वरुण ने वो पैकेज खोला तो उसमें सिया के नाइट सूट के अलावा उसकी कानों के टॉप्स भी थे और उसके कुछ कटे हुए बाल भी थे। नाइट सूट पर जगह जगह खून लगा हुआ था, साथ साथ एक डिब्बी में राख भी थी। आलिया के लिए सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा था। वो बहुत तेज तेज रो रही थी, कह रही थी कहीं से भी मेरी बच्ची को ले आओ, जिसके पास मेरी बच्ची है उसने सामान भेजा है, प्लीज इंस्पेक्टर साहब उसे पकड़िए, उसे यहाँ लाइए, मेरी बच्ची को लाइए। पर इस सामान को देखकर तो लग रहा है कि सिया अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा था कि हमें टेस्ट करना होगा कि ये खून सिया का है या नहीं, इस राख में ह्यूमन कंटेंट्स है या नहीं। मनीष भी बहुत चिल्ला रहा था, कह रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, अगर उसने सिया को कोई हार्म पहुंचाया है तो ये सब कुछ यहाँ भेजने की क्या जरूरत है। इंस्पेक्टर चौटाला ने कहा ताकि आप केस बंद कर सको, ताकि आप ढूंढना बंद कर सको, अगर उसे आपसे कुछ चाहिए होता तो कम से कम ये हीरे के टॉप्स वो वापस ना भिजवाता। अब सिया को ढूंढ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। पुलिस ने मान लिया था, परिवार ने मान लिया था कि सिया अब इस दुनिया में नहीं है, पर आलिया ये नहीं मानना चाहती, उसे अपनी बच्ची वापस चाहिए। सिया को गए हुए 100 दिन हो चुके थे और पुलिस ने बिना कुछ फैमिली को बताए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर ली थी। जब इसके बारे में पता चला था तो ये लोग बहुत हैरान हुए थे। आलिया और मनीष के बीच का रिश्ता भी दिन पर दिन खराब होता जा रहा था। मनीष अपने आप को बिजी रखने के लिए, अपने आप को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए बिजनेस में लगा रहता था, पूरा दिन काम करता रहता था, घर आता था, ड्रिंक करता था, सो जाता था। और आलिया जिसे सपोर्ट चाहिए था, जिसे साथ चाहिए था अपने पति का, उसे अपनी बेटी को ढूंढना है, ना जाने वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, क्या हो रहा होगा उसके साथ, ये सोचकर आलिया की रूह कांपने लगती थी। पर मनीष जैसे अपने दुखों में ही डूब गया था, अपनी परेशानियों में ही उलझा रहता था और आलिया का दुख उसकी परेशानी नहीं देख पाता था। उस दिन जब इन लोगों को पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पता चला था, तब टीवी चलाकर देखा था, वहाँ टीवी पर इंस्पेक्टर चौटाला बता रहे थे कि सिया का खून हो चुका है। उसके परिवार को अमेज़न से एक पैकेज मिला जिसमें सिया के कपड़े थे जिस पर खून लगा हुआ था, उसमें एक डिब्बी में राख थी जिसमें खून के अंश पाए गए और अब सिया इस दुनिया में नहीं है। उन लोगों ने पूछा था कि किडनैपर का क्या, मर्डरर का क्या, तब पुलिस ने कहा था कि ऑलमोस्ट ये केस एक डेड केस की तरह हो चुका है, हमने हर तरह से पूछताछ करने की कोशिश कर ली है पर कहीं कोई क्लू नहीं मिल रहा, परिवार से पूरी तरह से पूछताछ की गई है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, उसके अलावा वो कुक अभी भी कस्टडी में है और कोई क्लू नहीं मिला है। ये सुनकर आलिया जोर जोर से रो रही थी, उसकी बच्ची को मरा हुआ घोषित कर दिया गया था पर वो ये नहीं मानती। हालांकि मनीष इस बात पर अग्री हो चुका था। उस दिन ये लोग मनीष के माँ बाप के साथ ही थे, आलिया चिल्ला रही थी तब दुर्गा ने कहा था चुप हो जाओ, तुम्हें अक्ल नहीं है क्या, घर में बच्चे भी हैं। उसकी बच्ची नहीं मिल रही, उसकी बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया है, वो करे तो करे क्या। पर परिवार को अपनी इज्जत की पड़ी थी। इंस्पेक्टर चौटाला ने मैसेज करके उसके ससुर जी से कहा था कि ये केस वो बंद कर रहे हैं, इसे कोल्ड केस घोषित कर रहे हैं, अगर उन्हें कोई लिंक मिलता है, कोई क्लू मिलता है, कोई विटनेस मिलता है तो इस केस को रीओपन किया जा सकता है, फिलहाल के लिए इस केस में कुछ नहीं है और परिवार के नाम को हटा लिया गया है, यही एक डील है। एक बच्चे की जिंदगी के साथ डील की जा रही है, नाम सम्मान की। आलिया चिल्लाना चाहती थी, मनीष को कहना चाहती थी कि कम से कम आज तो कुछ बोलो, पर मनीष ने आलिया की तरफ देखा था। परिवार का नाम खराब हो रहा है, बिजनेस खत्म हो रहा है, 10 क्लाइंट्स बड़े बड़े जा चुके हैं, ये सभी तो देखना है। तो बच्ची से ज्यादा तुम्हारे लिए बिजनेस है, क्लाइंट्स हैं। आलिया बहुत हैरान थी। तब मनीष ने कहा पुलिस तो वैसे भी केस बंद ही करने वाली है, कम से कम परिवार का नाम तो बच जाएगा। आलिया मनीष की इस हरकत से बिल्कुल टूट चुकी थी। इन दोनों का रिश्ता भी अब बिल्कुल उस कोल्ड केस की तरह कोल्ड हो चुका था। दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने आलिया अपनी तरफ से
सिया को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो और सुहाना बैठकर पोस्टर्स बनाती और जहाँ भी मौका मिलता वो ये पोस्टर्स लगा देती। कोई तो ये पोस्टर्स देख लेगा, शायद सिया का पता बता दे। मनीष को ये बहुत स्टूपिड लग रहा था। उसे लग रहा था कि हमें आगे बढ़ना होगा, सिया अब इस दुनिया में नहीं है, ये हमें मान लेना होगा और सुहाना की तरफ ध्यान देना होगा। सुहाना को अगर हम पोस्टर्स बनाने में लगाएंगे तो वो कैसे आगे बढ़ पाएगी, कैसे भूल पाएगी सिया को। पर आलिया सिया को नहीं भूलना चाहती और ना सुहाना को भूलने देना चाहती है। उसे सिया को ढूंढकर वापस लाना है और उसकी जिंदगी का यही मकसद है। उस दिन जब वो पार्क में गई थी तो उसे एक लेडी मिली थी जिसने कहा था, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, अगर मेरी बच्चे के साथ ऐसा हो तो मैं तो जान ही दे दूँ। आलिया ने कहा था, जान तो मैं भी दे देती, पर दो कारण है, एक सुहाना और दूसरा सिया। अगर मैं जान दे दूंगी तो ये लोग तो सिया को नहीं ढूंढेंगे और उसे जिंदगी भर वो दुख दर्द सहने पड़ेंगे, इसलिए मुझे जिंदा रहना होगा क्योंकि मुझे सिया को ढूंढ कर लाना है। तब उस औरत ने कहा था, तुम्हें किसी और की मदद लेनी चाहिए, किसी प्रोफेशनल की, किसी प्राइवेट डिटेक्टिव की। और तब बताया गया था उसे केशव राज पुरोहित के बारे में, जो एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी चलाता है। उम्मीद करती हूँ कहानी में आपका इंटरेस्ट बना हुआ होगा। आपको भी जानना होगा कि आखिर सिया के साथ क्या हुआ, क्या सिया का मर्डर हुआ, किडनैपिंग हुई, क्या परिवार इसमें शामिल है, क्या दुर्गा इसमें शामिल है, या फिर टीचर या कुक, क्या सिया खुद घर छोड़कर भाग गई है परेशान होकर माँ बाप की लड़ाइयों से, माँ बाप के प्रेशर से। जानने के लिए फिलहाल आपको करना होगा इंतजार। अगले वीक मैं इस नॉवल का कंटिन्यूशन लेकर आऊंगी और हम जानेंगे कि आखिर सिया के साथ क्या हुआ था। फिलहाल आप सब्सक्राइब कीजिए ना चैनल, और पसंद आ रही हो कहानी तो लाइक कीजिए। अपनी पसंद की किसी नॉवल की समरी मुझसे इस चैनल पर चाहते हैं तो वो भी जरूर बताइए। फिलहाल दीजिए इजाजत, जल्दी लौट कर आऊंगी। स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।